गाइज अभी रात का 11 बज चुका है, 11:10 हो रहा है ना, और हम 13 नंबर का ऑर्डर लेके आए थे जो कि हम डिलीवर भी कर दिए हैं। ये वाला घर में डिलीवर कर दिए हैं। और भाई मेरा आईडी ब्लॉक हो गया है। और क्यों ब्लॉक हो गया, कैसे ब्लॉक हो गया, हम सारा चीज़ रूम में जाके बताएंगे, क्योंकि फ़िलहाल तो काफ़ी रात हो चुका है और यहाँ आसपास सब कोई सो गया है, तो कहीं ना कहीं मतलब डर सा लग रहा है ना, सूना सूना लग रहा है भाई। इधर पूरा घर सब नहीं दिख रहा है, मतलब घर सब है लेकिन बत्ती उत्ती बंद करके सब कोई सो गया है भाई। तो चलिए, मेरा मूड तो पूरा ऑफ हो गया है। इधर आप सभी देख सकते हैं, जस्ट रोड साइड में अपना बाइक को खड़ा कर दिए हैं और ब्लिंकर जला दिए हैं। तो चलिए अभी फटाफट हम रूम पहुंच लेते हैं। यहाँ से करीबन करीबन हमको आधा घंटा लग जाएगा, मेरा रूम 12 किलोमीटर होगा, है ना। तो चलिए फटाफट हम रूम पहुंच लेते हैं, फिर सारा चीज़ रूम में बताएंगे, मेरा आईडी क्यों ब्लॉक हो गया और मेरा आज का टोटल अर्निंग कितना हुआ, सारा चीज़ बताएंगे, है ना। हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं, आई होप कि आप सभी स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। हम भी एकदम स्वस्थ और मस्त ही हैं। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं जोमेटो में काम करने के लिए, और आज ईद है तो सबसे पहले आप सभी को ईद का मुबारकबाद देना चाहेंगे। और ईद के शुभ अवसर पर आज हम लोगों को इंसेंटिव दिया जा रहा है ना, 200 रुपया दिया जा रहा है फुल डे में। और इसका भी कुछ नियम कानून है इंसेंटिव का मतलब लेने का, जो कि हम लोगों को अभी दोपहर का 12 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक में 2 घंटा लॉगिन रहना है, और शाम के 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक में 3 घंटा लॉगिन रहना है ना। और टोटल 6 गिग कम्प्लीट करना होगा भाई, और 14 ऑर्डर करना होगा तब जाके हम लोगों को 200 रुपया मिलेगा। या तो फिर 5 गीग कंप्लीट करना होगा और 12 ऑर्डर करना होगा तब जाके हम लोगों को 150 रुपया मिलेगा, ऐसे कुछ सिस्टम है। तो फिलहाल तो अपना जोन में आ गए हैं, लॉगिन भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक ऑर्डर वगैरह नहीं आया है। तो देखते हैं भाई आज मेरा ऑर्डर वगैरह कैसे रहता है, मेरा गाड़ी कितना रनिंग होता है और मेरा टोटल अर्निंग कितना होता है, लास्ट में आप सभी को बताएंगे। और ये जो इंसेंटिव 200 रुपया दे रहा है, हम ले भी पाते हैं कि नहीं, सारा चीज आप सभी को लास्ट में बताएंगे, है ना। तो चलिए अभी फिलहाल अपना गाड़ी का किलोमीटर को फटाफट जीरो करते हैं। तो इधर देख सकते हैं गाइज, मेरा गाड़ी खड़ा हुआ है और ओ भाई हम जीरो किए हैं, देख सकते हैं ना। और फिलहाल हम 250 का तेल भरवा दिए हैं, क्योंकि मेरा मोटा मोटी 250 का तेल में हो ही जाता है। और अभी दोपहर का समय में कुछ व्यू देख सकते हैं हमारे ये क्या बोलेंगे भाई, जमशेदपुर का, जो कि धूप तो नहीं दिया है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है मौसम। इधर देख सकते हैं उतना भीड़ भड़का भी नहीं है रोड में। और ये गाइज हम लोग का ये आदित्यपुर का पुल, और इधर नदी की ओर बहुत दिनों के बाद आप सभी को दिखा रहे हैं, जो कि कितना सुंदर व्यू लग रहा है। तो चलिए गाइज निकलते हैं और रेस्टोरेंट के आसपास रहेंगे और देखते हैं आज मेरा क्या सीन हो रहा है, सारा चीज आप सभी को हम लास्ट में बताएंगे। तो आप सभी को ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहने का है। गाइज लॉगिन करने के 15 मिनट बाद मेरा पहला ऑर्डर आ गया, ये मिर्ची रेस्टोरेंट से, है ना, जो कि हमको ये ऑर्डर ले जाना है 5 किलोमीटर और 49 रुपया दे रहा है। इधर देख सकते हैं टाइम, हम 12:50 में लॉगिन किए थे और अभी हो रहा है 1:09। तो चलिए फिलहाल तो ऑर्डर रेडी नहीं किया है और 5 मिनट दिखा रहा है, इंतजार कर लेते हैं। गाइज अपना पहला ऑर्डर पिकअप कर लिए हैं, तो चलिए अभी इसको हमको ले जाना होगा साक्षी। अनुश्री का गाइज आधा घंटा बाद मेरा सेकंड ऑर्डर लग गया है, ये हंगरी क्या रेस्टोरेंट से, जो कि हमको ले जाना है 6.5 किलोमीटर और 60 रुपया दे रहा है। तो चलिए ऑर्डर मेरा रेडी हो चुका है, फटाफट जाते हैं और लेके आते हैं। गाइज मेरा सेकंड ऑर्डर पिक कर लिए हैं, अभी इसको हमको लेके जाना है अपराजिता कॉम्प्लेक्स सोनारी। फिलहाल तो मेरा तीसरा ऑर्डर लगा हुआ है ये बिरयानी, द बिरयानी लाइफ रेस्टोरेंट से, जो कि हमको ले जाना है भाई 8.5 किलोमीटर और 75 रुपया दे रहा है ना। तो चलिए मेरा ऑर्डर रेडी हो चुका है, फटाफट मांग लेते हैं। फाइनली तीसरा नंबर का ऑर्डर मिल चुका है, अभी हमको इसको लेके जाना है भाई डिमना रेसिडेंसी, डिमना चौक। तो चलिए फटाफट पहुंचा देते हैं। गाइज अभी शाम का 6 बज चुका है और मेरा 8वां नंबर का ऑर्डर आ गया है, ये पीएमएल हाईटेक सिटी का बर्गर किंग रेस्टोरेंट है ना, जो कि हमको ले जाना है मोटा मोटी 6 किलोमीटर और 45 रुपया दे रहा है। तो चलिए पहुंच लेते हैं, मेरा ऑर्डर रेडी हो चुका है कि नहीं। फाइनली KFC ऑर्डर दे तो दिया है लेकिन बहुत लेट करा दिया भाई, लगभग 28 मिनट हो गया है ना।
तो चलिए अभी इसको हमको लेके जाना है श्रीनाथ रेसिडेंसी। गाइज अभी रात का 8 बजने वाला है, 7:39 हो चुका है और मेरा 10वां नंबर का ऑर्डर आ गया है। ये सबवे रेस्टोरेंट से है ना, इधर देख सकते हैं गाइज, ये सबवे रेस्टोरेंट से मेरा 10वां नंबर का ऑर्डर आया हुआ है जो कि हमको ले जाना है मोटा मोटी 9 किलोमीटर और 74 रुपया दे रहा है और रिटर्निंग में 5 रुपया तो देगा ही देगा। तो फिलहाल ऑर्डर रेडी नहीं हुआ है और 3 मिनट दिखा रहा है, तो चलिए इंतजार कर लेते हैं। गाइज 10 नंबर का ऑर्डर मिल चुका है, अभी हमको इसको लेके जाना है असियाना शहर मनगो। फाइनली हम पहुंच गए हैं असियाना शहर, इधर आप सभी देख सकते हैं भाई बड़ा बड़ा बिल्डिंग, और हमको सी ब्लॉक में जाना है, वो वाला सी ब्लॉक है इधर है ना। तो चलिए अभी हम पहुंच लेते हैं, पैदल ही जा रहे हैं फिलहाल, तो गाड़ी हम उधर मेन गेट में छोड़ दिए भाई वहाँ पे। चलिए फटाफट जाते, कितना सुंदर बना दिया है भाई, इधर देख सकते हैं पार्क जैसे है, बच्ची लोग खेल रही है यहाँ पे, कितना सुंदर लग रहा है भाई। ये डी ब्लॉक है, डी टंग, वाह नाइस भाई। ये गाइज अभी रात का 11 बज चुका है, 11:10 हो रहा है ना, और हम 13 नंबर का ऑर्डर लेके आए थे जो कि हम डिलीवर भी कर दिए हैं, ये वाला घर में डिलीवर कर दिए हैं। और भाई मेरा आईडी ब्लॉक हो गया है, और क्यों ब्लॉक हो गया, कैसा ब्लॉक हो गया, हम सारा चीज रूम में जाके बताएंगे, क्योंकि फिलहाल तो काफ़ी रात हो चुका है और यहाँ आसपास सब कोई सो गया है, तो कहीं ना कहीं मतलब डर सा लग रहा है ना, सूना सूना लग रहा है भाई, इधर पूरा घर सब नहीं दिख रहा है, मतलब घर सब है लेकिन बत्ती उत्ती बंद करके सब कोई सो गया है भाई। तो चलिए मेरा मूड तो पूरा ऑफ हो गया है, इधर आप सभी देख सकते हैं जस्ट रोड साइड में अपना बाइक को खड़ा कर दिए हैं और ब्लिंकर जला दिए हैं। तो चलिए अभी फटाफट हम रूम पहुंच लेते हैं, यहाँ से करीबन करीबन हमको आधा घंटा लग जाएगा, मेरा रूम 12 किलोमीटर होगा है ना। तो चलिए फटाफट हम रूम पहुंच लेते हैं, फिर सारा चीज़ रूम में बताएंगे, मेरा आईडी क्यों ब्लॉक हो गया और मेरा आज का टोटल अर्निंग कितना हुआ, सारा चीज़ बताएंगे है ना। गाइज हम फाइनली रूम पहुंच गए हैं, तो चलिए अभी आप सभी को दिखाते हैं भाई आज मेरा गाड़ी कितना रनिंग हो गया है और अभी टाइम कितना हो रहा है, उसके बाद आज का अर्निंग बताएंगे, फिर मेरा आईडी कैसे ब्लॉक हो गया वो चीज़ बताएंगे है ना। तो गाइज देख सकते हैं आज मेरा गाड़ी रनिंग हो गया 129 किलोमीटर और अभी टाइम हो चुका है 11:45, आते आते मेरा आधा घंटा लग गया है ना। और गाइज ऐसे तो आज मेरा टोटल 13 ऑर्डर हुआ है और मेरा 735 रुपया टोटल अर्निंग हुआ है ना, और उसमें ऑर्डर अर्निंग मेरा 585 रुपया है, फिर 150 रुपया इंसेंटिव मिला था, 200 रुपया मिलने वाला था लेकिन एक ऑर्डर नहीं कर पाए और मेरा आईडी ब्लॉक हो गया। और गाइज मेरा गाड़ी रनिंग हुआ है 129 किलोमीटर, तो हम 220 का ही तेल पकड़ते हैं, तो अगर हम 220 रुपया घटा दे रहे हैं तो मेरा 735 में, तो टोटल मेरा 515 रुपया आज का अर्निंग हो गया है ना। और आज मेरा आईडी क्यों ब्लॉक हो गया उस चीज़ को आप सभी को बता रहे हैं। तो आज ऐसे सीन हो गया कि आज हमको इतना ज़्यादा सीओडी मिला, 3000 का सीओडी मिला है भाई, तो अब क्या ही बताएं, मतलब तभी एक जगह हमको 500 का मिला, एक जगह 700 का मिला, एक जगह फिर से 500 का मिला, अभी जो ये ब्लॉक हो गया उसमें मेरा 1009 रुपया का ऑर्डर था, हम रिक्वेस्ट किए कस्टमर से कि भैया हम अभी इतना रात को इतना सीओडी नहीं लेंगे, हम बोले कि मेरा आईडी भी ब्लॉक हो सकता है, ब्लॉक हो जाएगा, आप हो सके तो ऑनलाइन दे दीजिए, हम बहुत ही रिक्वेस्ट किए कम से कम ऑनलाइन कर दो बोल के है, लेकिन नहीं सुना नहीं माना, बोला कि अभी हम नहीं कर सकते हैं, मेरा अकाउंट में नहीं है, तो फिर हम कैंसिल भी तो नहीं कर सकते भाई, क्योंकि कैंसिल कर देंगे तो जो हमको 150 रुपया मिलने का है ना वो भी नहीं मिलता, इसलिए हम कैंसिल नहीं किए और हम एक्सेप्ट कर लिए भाई। तो हम जैसे एक्सेप्ट किए मेरा आईडी ब्लॉक हो गया, समझ सकते हो, आज 3000 का सीओडी मेरा लग गया, तो क्या कर सकते हैं, अगर 1000-2000 तक का होता तो मेरा अकाउंट में था उतना तो हो जाता, लेकिन भाई 3000 का हम उम्मीद भी नहीं किए थे कि आज मेरा 3000 का सीओडी मिलेगा बोल के है ना, तो इसी वजह से मेरा आज आईडी ब्लॉक हो गया है।
कल जितना भी हमको सीओडी मिला है जमा करेंगे, फिर आईडी खुलवाएंगे, फिर ड्यूटी जाएंगे। तो आज का यही था, 10 घंटा में मेरा टोटल 13 ऑर्डर हो गया। 14 ऑर्डर होता तो 200 वाला इंसेंटिव मिल जाता, तो वाला नहीं मिला, तो मेरा तेल का निकाल के 515 रुपया अर्निंग हो गया है ना। तो कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके बताइएगा। मतलब अच्छा तो नहीं लगेगा भाई, क्योंकि आज हमको ईद के दिन ही ऐसे हो गया, 200 रुपये इंसेंटिव मिलने का दिन ऐसे हो गया, तो कहीं ना कहीं हम ही को बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। इतना टाइम देने के बावजूद हम नहीं कर पाए हैं ना, तो अच्छा भी नहीं लग रहा है भाई। तो चलिए आज का ये ब्लॉग को हम यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल में न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छा सा ब्लॉग में। बाय बाय।